आप सबों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल गार्डनिंग पर। आप अपने चैनल गार्डनिंग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे गार्डनिंग का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शो करने जा रहा हूं कि कैसे सकुलेंट्स के नए पौधे को प्रोपगेट और ग्रो करते हैं। सकुलेंट्स के पौधे का प्रोपगेशन एक ब्रिज है। सकुलेंट्स के नए पौधे कई तरीके से उगाए जा सकते हैं या तैयार किए जा सकते हैं, किंतु सकुलेंट्स के पौधे का प्रोपगेशन और ग्रो करना सकुलेंट्स के लीफ से काफ़ी ईजियर और फास्टर है। सकुलेंट्स के कुछ पौधे डिफिकल्ट होते हैं प्रोपगेट करने में। सीडम और इचिवेरिया, ये दो तरह के सकुलेंट्स के वेराइटीज़ हैं जिसे लीव्स और कटिंग से काफ़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। सकुलेंट्स के पौधे को प्रोपगेट और ग्रो करना काफ़ी सरल है और इसे हम बिना पैसे खर्च किए कर सकते हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आप सीख सकें कि कैसे तैयार होते हैं सकुलेंट्स के नए पौधे सकुलेंट्स के लीफ से। लीफ यानी पत्तों से प्रोपगेटिंग के लिए इमैच्योर्ड और इंकल्ड पत्तों को न लें। इससे आप स्वस्थ बेबी सकुलेंट्स तैयार नहीं कर सकते हैं। मैच्योर्ड सकुलेंट्स के पौधे से एक्टिव और हेल्दी लीव्स को ही लें। प्लांट्स के बॉटम पर्सन से आप लीफ को ले सकते हैं। ये प्रोपगेटिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और नए पत्तों को प्रोपगेटिंग के लिए नहीं लें। सकुलेंट्स के पौधे से लीफ लेने के लिए पौधे को पॉट से बाहर निकाल लेना चाहिए। सकुलेंट्स के लीफ को काफ़ी हल्के से स्टेम से रिमूव करना चाहिए। आप हल्के से लीफ को ट्विस्ट करके आप स्टेम से रिमूव कर सकते हैं और लीफ डैमेज ना हो। प्लांट्स के बॉटम पार्ट से आप लीफ को रिमूव करें, काफ़ी इजीली रिमूव हो जाता है। ये ऊपर का पोर्शन है, यहीं से नए प्लांट्स निकलते हैं, इसलिए ये डैमेज नहीं होना चाहिए। लीफ रिमूव करने के लिए आप नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। लीफ को जब भी स्टेम से अलग करें उसके पहले हाथ को स्टेलाई कर लें। नाइफ यूज कर रहे हैं तो नाइफ को भी स्टेलाई कर लें, लेकिन हाथ से ही लीफ को रिमूव करना चाहिए। काफ़ी इजली सकुलेंट्स के लीफ स्टेम से रिमूव हो जाते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और रिमूव हो जाएगा। आप प्रोपगेटिंग के लिए सकुलेंट्स के जिस पौधे को सेलेक्ट करें, सबसे पहले आप उस पौधे को पॉट से बाहर निकाल लें। फिर पौधे के बॉटम हिस्से से आप नाइसली ट्विस्ट करके स्टेम से लीफ को रिमूव कर लें और इंश्योर हो जाएं कि इंटायर अनडैमेज लीफ रिमूव हो चुका है। यहीं से नए पौधे निकलेंगे। सकुलेंट के इस पौधे का प्रोपगेशन काफ़ी आसान है। इसे कटिंग के द्वारा प्रोपगेट किया जाता है। आजकल लोग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हैंगिंग के रूप में लोग इसे लगाते हैं। लिविंग रूप में इस पौधे को छोटे पॉट्स में लगा के रखते हैं।
लीफ को स्टेम से रिमूव करने के बाद आप इसे एक ट्रे में रख लें, टिश्यू पेपर या नॉर्मल पेपर पर भी आप रख सकते हैं, और इसे ऐसी जगह रखें जो थोड़ा वार्म हो और सनलाइट इसे मिलती रहे ताकि लीफ कुछ ड्राई हो जाए। लीफ प्रोपगेशन के लिए आप कोकोपीट भी ले सकते हैं या सकुलेंट सॉइल या कैक्टस सॉइल में भी इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। सॉइल के ऊपर लीफ को रखेंगे, इस हिस्से को सॉइल के अंदर नहीं डालेंगे और लीफ के टॉप पार्ट को ही सॉइल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और स्लाइटली सॉइल पर रखने के बाद लीफ को पुश कर देंगे कि थोड़ा वो बैठ जाए। इस तरीके से आप लीफ को सॉइल के ऊपर अरेंज कर लें। सॉइल पर लीफ को रखने के पश्चात इसे वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग स्प्रे द्वारा ही करना चाहिए, और जब सॉइल ड्राई हो जाए तो पुनः इसे वाटरिंग करें स्प्रे द्वारा ही, और इसे ऐसी जगह पर रखें जो थोड़ा वार्म हो और जहां इसे सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि सकुलेंट्स के प्रोपगेशन के लिए इसे मॉइस्ट और वार्म जगह चाहिए। 3 हफ्ते के पश्चात इसमें रूट्स आने लगते हैं कुछ इस तरह से। 4 हफ्ते के पश्चात पौधे कुछ इस तरह से तैयार हो जाते हैं। 6 से 8 हफ्तों में बेबी प्लांट मैच्योर हो जाते हैं। जब ये 1/2 इंच से बड़े हो जाएं, तो इसे किसी पॉट में रीप्लांट करते हैं। दोस्तों, सकुलेंट्स की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स अबाउट गार्डनिंग। पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में।